नमस्कार दादा, सादा मसाला मैसूर डोसा इडली ओनियन टमाटर उत्तपा उपमा रमा क्या लाऊं दादा? एक जवान कुन्या। जी दादा, ये आपको शोभा नहीं देता। क्या बोला? आपका ये उम्र में जवान कर। अरे नारंगी, हम तो अखबार का बोला, एक जवान कुन्या प्रेम में पागल। तुम ही अच्छा जाओ, एक ग्लास चा लाओ। अरे कर्नल। हेलो लहरे। नमस्कार माइकल, नमस्कार। बैठिए बैठिए, ये देखो माइकल मेरे लड़की। जी आपने बुलाया कहा? नहीं तो हाँ नहीं, हम जाएं। क्यों, मेरे पास खड़ा होना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है, मगर वो 5 नंबर का ऑर्डर है ना। ये नारंगी, वो 5 नंबर का ऑर्डर लेना रे। सादा मसाला मैसूर डोसा इडली ओनियन टमाटर। मैं पढ़ सकता हूँ? जी सर, सॉरी सर। नवरंगी, कर्नल साहब का जूस तैयार है, ले जाओ। हसीना को पिला दीजिए, अभी हम बिजी हैं। टमाटर फ्यूज हो गया क्या दादा? यही होने वाला है, कर्नल जूस, माइकल वड़ा और बंगाली सांबर। होटल के मालिक को लाओ। होटल का मालिक, साथ में क्या लाऊं साहब? साथ में एक बड़ा सा ताला। बड़ा ताला जी। कुछ पीने के लिए लाए साहब? चाय कॉफी लस्सी जूस? कुछ नहीं। कुछ नहीं जी। ये क्या बात है, ऑर्डर क्या है? होटल का मालिक एक प्लेट, साथ में बड़ा ताला और कुछ नहीं। जल्दी लाना गर्मा गर्म। ओके बॉस, ओके। ये क्या बोला रहे? नमस्कार। क्या बात है, आप कौन? इतनी जल्दी भूल गया चिट्ठी? याद कर, हमें देखकर तो होटल वालों को 7 पुश्तें याद हो जाती हैं। हाँ मैं सब भूल गया जी। बुढ़ा हो गया है ना आपा, कभी कभी अपना नाम भी भूल जाता है। आप नहीं, नहीं, तुम लोग यहाँ कर्नल का जूस और माइकल का बड़ा पता नहीं किस किस चीज का क्या क्या बनाते हो। चिट्ठी, मैं फूड इंस्पेक्टर लोखंड वाला हूँ, 7 साल के लिए ताला लगा दूंगा इस होटल को। अयो तो पहले काय को नहीं बताया, फूड इंस्पेक्टर लोकंड वाला है। आप ही जूस मत कीजिए दादा जी, लोखंड वाला साहब के लिए मिक्स जूस बना दीजिए ना, पी के मस्त हो जाएंगे। अच्छा तो यहाँ खाने पीने में मस्ती का सामान भी मिलाते हो? लाइसेंस किधर है? लाइसेंस किधर है? किधर है? लॉन्ड्री। लॉन्ड्री क्यों, गंदा हो गया था? जी नहीं, पापा का कपड़ा गंदा हो गया था, भेज दिया। वेरी गुड, अब इस होटल को भी धोबी घाट पर भेजना होगा, खाने में धूल भी मिलाते हो। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना जी, हम 10-12 होटल साफ करते जी, पर यहाँ ट्रैफिक इतना है ना जी। आप चीफ मिनिस्टर को काय को नहीं बोलते? क्यों, चीफ मिनिस्टर को एक ट्रैफिक हवलदार है, जो उसको बोलूं कि शेट्टी के होटल में धूल आता है, ट्रैफिक उधर से कर। नहीं नहीं नहीं, हम सोचा। सोचो मत, सोचना मेरा काम है। इस घड़ी में 12 क्यों बजा है? अभी तो 9:30 भी नहीं बजे। ए साहब, उस घड़ी का डायरेक्ट कनेक्शन शेट्टी के दिमाग से है, इसका जो हालत होता है ना उधर उतना ही बचता है। हाँ देखो मिस्टर लोखंड वाला, आप नाहक परेशान हो रहे हैं, यहाँ का खाना एकदम फर्स्ट क्लास है, मैं गारंटी लेता हूँ। सत्य सत्य अनेक अनेक भीषण सुंदर, आप यहाँ का खाना खाएंगे ना तो आपसे भी हमारा माफिक शेर निकलेगा। शेर? यहाँ नॉन वेज भी चलता है? यू शट अप। लाइसेंस कैंसिल करूंगा, FIR दर्ज करूंगा। 10 साल के लिए अपने मुल्क जाने की तैयारी करो चिट्टी। किचन किधर है? किधर है किचन? मालूम नहीं। अच्छा सर, आपके बैक साइड में। ठीक है आप। आपको पता है आपके खाने में क्या मिला हुआ है? अरे कुछ भी मिला हूँ, मैं तो ज्यादा पैसे देने वाला नहीं हूँ। अरे इसमें जहर मिला हुआ है। डार्लिंग, लगता है वेटर ने ऑर्डर चेंज कर दिया, ये तुम्हारा है, चाय मैं पी लेता हूँ। इसी बात को एक तो शेर बोलता है। ये शेर किधर बोलता है? सर किचन में। चलो काम आता है। ना ना शेट्टी, तुम यहीं ठहरो, किचन हम अकेला देखेगा। चलो ये सब कहाँ जा रहा है? ऊपर घर में जाती खाना बनाने। अच्छा तो किचन का माल घर में स्मगल हो रहा है। Thank you.
सर लोखंड वाला हूं मैं। अभी तक कोई मिर्ची पैदा नहीं हुई जो मुझे छींक ला सके। चलो लोकंड वाला स्वामी, ये तुम कैसा भूत का माफी? हम भूत नहीं शेट्टी, तुम्हारा भविष्य है। ये नारंगी, हम कुछ नहीं किए सरकार, वो छींक का बम फटा और डर के मारे हमारा हाथ डिब्बे पर लग गया। बोर्ड इंस्पेक्टर लोखंड वाला, याद रखना शेट्टी, I will come back. I will come back. Sorry, सरकार। अरे क्या सरकार है? हाँ? सरकार आते में शेट्टी खाते में हमको बर्बाद करेगा एक दिन। अप्पा गलती हो गई ना? अरे क्या गलती हो गई? दे 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 दिला दे राम, देने वाला सीताराम, अल्लाह के नाम पर दे दे 5 रुपया। दे 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 राम, दे दे दे। आप उनका रेट खराब नहीं करने का, 5 कड़ाल। उसमें कट्टे हो फिर भी भीख मांगते सर नहीं आती। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? अरे भीख तो सभी मांगते हैं। क्लर्क हो तो प्रमोशन के लिए भीख मांगता है, नेता हो तो वोट के लिए भीख मांगता है, फाइनेंस मिनिस्टर हो तो वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता है। आप उन्हें से क्या करे ले? अरे तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो। हाँ, इसीलिए भीख मांग रहा हूँ। 5 का दे, 5 का, 5 का, जल्दी जल्दी टाइम खराब करने का। आई एम प्राउड ऑफ यू, लगे रहो। थैंक यू सेठ, अल्लाह भेज, अल्लाह भेज। भेज भी दिया? अरे ये तो भैया लग रही है। ए भैया, ये आजा 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 आजा। अब आबा दे। अब आबा। आपको मालूम है, आपको मालूम है नारंगी बाबू कहाँ है, नारंगी होटल कहाँ पर? अरे हम कैसे बता सकता हूँ, अरे हम तो सूरदास हूँ भाई। हाँ बाबा, अरे बेरोजगारी ने फूक मारते ये लालटेन पैदा होने से पहले ही बुझा दी थी। आए हाय हाय, तेरी के। अरे आप हमारे बिहार का है नहीं चले आए? काए? अरे बहुत लालटेन बांटा है इस बार इलेक्शन में। अरे वो लालटेन वाले तो पार्लियामेंट पहुंच गए, हम कहाँ जाए? अरे रे 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 रे, आपके साथ तो बहुत दुखदाई बात हो गया। अरे इससे दर्दनाक किस्सा तो तेरे साथ होगा। ये 10 रुपया देना। 10 रुपया? हाँ, 10 रुपया। अरे बाबा दे दे, शाहरुख के नाम पे दे दे, सलमान के नाम पे दे दे, माधुरी के नाम पे दे दे। माधुरी के नाम पर? हाँ, माधुरी के नाम पे बुड्ढे ज्यादा देते हैं। ये चार जेब में हाथ डाले और माल निकाल। ये आप उनका जेब में काय को हाथ डालता, तेरी जेब से देना। ये लगता है ये भी अपुन की तरह भिखारी है। ए छुट्टा नहीं है ये, तो इसमें से एक नोट निकाल के दे देना। अरे तो तुमको सुस्ता भी है? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना कि जैसे पुलिस वाले चोर को और नेता कुर्सी को सूंघ लेते हैं, वैसे ही अपन नोट सूंघ लेता है। ए देना। तुमको माल की पड़ी है और हमको अपने छोटका जमाई मुंगेरी बाबू के भाई नौरंगी लाल का पता चाहिए। अपन बताता है तेरे को पतली गली में चलना। हाँ मालूम है, वही तो हमने कहा नौरंगी बाबू, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम, और जिससे पूछे कहता है कि हमको पते नहीं मालूम है। आप हमको ठिकाना पर पहुंचा दीजिएगा। अरे अपन ने बड़े बड़े को ठिकाने पहुंचाया है। चल अपन बताते है तेरे को। आजा जल्दी जल्दी मान निकाल, नहीं तो अब रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर बजरंगी लाल पर चाकू दिखाते हैं। नहीं तो क्या तलवार दिखाओ, जल्दी माल निकाल, तब तक अपन अपना दाढ़ी निकालता है। आप पिकअप पे थे? अरे अपन अपने गर्लफ्रेंड को टाइम दिया, जल्दी कार। आप हमारे ही पैसे पर डांस कीजिएगा। और अब ये कुर्ता और ये धोती दोनों उतार। तेरा ये कपड़ा उतार कर 20-30 रुपया तो मिल जाएगा। उतार, अरे निकाल भाई। हम देख, पहले बाएं जाना, फिर दाएं जाना, और मंदिर से बाएं होते हुए होटल के किनारे से घूमते हुए इधर ही आ जाना। तू इधर आ जाएगा तो अपन तेरे को इधर ही मिलेगा और फिर लौटेगा। भाई, अरे हमको 5 रुपया तो देते जाइए। भगवान, हम तो इंस्पेक्टर से भिखारी हो गए।
हो गया। ओ अंधे, मरने का ही क्या? आजा मैं रोड क्रॉस करा देता हूँ। भिकारी होके भी क्या बॉडी मेंटेन किए लाए, इंपोर्टेड है क्या? अरे तेरे को कहीं तो भी देखे ला मैंने, बगित लाए। हम भी आपको पहचानते हैं। अरे आपको नहीं पहचाने? नहीं तो अरे हमें रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर बनवंदे लाल। तो फिर यहाँ चड्डी में परेड क्यों कर रहे ले? अरे भाई हमारा सब सामान लूट के ले गया तो हाथ में कटोरा थमाकर चोर भाग गया। क्या बोल रहे लाभ? अरे भाई आप हमारा थोड़ा मदद कीजिए। मैं क्या कर सकता इसमें? हमारा 500 रुपया वापस कर दीजिए ना, जो कल रात आपको दिया था। अच्छा तो अपना ही वस्ताद निकला। अरे पैसे का क्या करोगे? गला सूख रहा है, सुबह से एक कप चाय तक नहीं पिया है भाई। अच्छा चाय पीने का है ना, चलो ना फोकट की चाय पिलाता हूँ, वो भी शेट्टी सुपर कॉफी हाउस में। सुनो मेरे प्यार के कटोरी में डाल दे तेरा प्यार की भीख, फिर देख तमाशा। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह दादा। तमाशा तो उस वक्त होगा जब आप चाय पीकर पैसा नहीं देंगे। ये चाय कौन बोला? दादा ने। क्या देख, हम सिर्फ शेर बोलता है, चा नहीं। हर आधे घंटे में चाय पीना जरूरी है, नहीं तो हमारे बॉस का धंधा कैसे चलेगा? ठीक है। और किया है मेरे प्यार के कटोरी में डाल दे तेरा प्यार का भीख। और तुम ये क्या यार भिखारी पर शेर कह रहे हो? कॉर्नल साहब, ये जो प्रेमी जो होता है ना, ये भिखारी होता है, प्यार का भिखारी। लो आ गए तुम्हारे रिश्तेदार। इसका तो बम्पर बॉनेट सब कुछ गायब है। ये क्या रे? बाबा दरवाजा से अंदर नहीं आने का। ये शेट्टी काफी हाउस है, मगर हमको काफी नहीं, चाय चाहिए। इसको देख के हमको कुछ याद आया, अपना भविष्य दिख रहा होगा। अब राम राम शेट्टी अन्ना। बाकी वे भिखारी को भगा रहे। ये शेट्टी सुपर काफी हाउस, ये ग्रेड, भगा भगा इसको। साइलेंस अन्ना, ये अपन का आदमी है, ये धंधा कब से होने? सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, सब बताता हूँ। पहले बैठने दो, तो बैठो, चाय ला रहे। नहीं 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 नहीं, ये नंगा भिखारी हमारे कुर्सी पे नहीं बैठने का, कुर्सी खराब होगा। क्या बोले हाँ? हम आपको भिखारी लग रहे हैं? नहीं बाप, बॉडी से तो तू फाइनेंस मिनिस्टर लगता है। ये पाटिल ये क्या रे, ये क्या पनौती तू लेके आया? अरे हो इस पर बैठिए सूरदास जी, हम चाय लाते हैं। न तो हम सूरदास हैं और न तो हम हैं भिखारी। तो फिर आप हैं कौन? अरे हम हैं किस्मत के माने रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर बजरंगी लाल। ये पाटिल तेरा ये नंगा इंस्पेक्टर को लेके जा रहे इधर? आप हमारा इज्जत ले रहे? हाँ, चश्मा लगाने से हमको अपना बदहाली नहीं दिखता है। इसीलिए तो उतार रहे हैं कि आपको दूसरा का बदहाली भी नजर आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। हे भोले राज, क्या दिखा रहे हो? साक्षात नौरंगी लाल। अच्छा तो आप हमारे छोटका जमाई ट्रिपुल एन एम मुंगेरे लाल जी के छोटका भाई, मुंबई होटल का मालिक सेठ नौरंगी लाल। सेठ नौरंगी लाल? क्या बोल रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है नवरंगी, सच क्या है? सच तो यही है, हम कोई सेठ नहीं है, सेठ तो आपके अप्पा सेट्टी सेठ है, जिनकी दया से हम यहाँ हैं। फिर ये? वही तो हमारा दिमाग भी आउट हो रहा है कि हमारे बड़े भाई साहब मुंगेरी लाल के ससुर बजरंगी लाल जी यहाँ मुंबई में भीख काहे मांग रहे हैं। देखिए अनजान मत बनिए नवरंगी बाबू, हमको मुंगेरी लाल जी का पता दे दीजिए, हमारी बेटी गुणवंती एकदम बेहाल हो रही है। पता कैसा पता? आपके भाई साहब घर द्वार त्याग के चले गए हैं और आपके नाम से देखिए ये चिट्ठी दे गए हैं। हमने फैमिली को पूरा विश्वास है वो ये यही कहीं मुंबई में छिपे हुए हैं। तो आप उन्हें ढूंढने आए हैं? हाँ। अच्छा किया, आप नवरंगी के बड़े भाई मुंगेरी के ससुर है ना, इसे अपना ही होटल समझिए। मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ, आप हमारे मेहमान हैं। अरे क्या मेहमान? हमको मालूम ये मुंगेरी मुंबई में नहीं, आज ही आप मुल्क वापस जाना। वापस? अरे हम हैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर बजरंगी लाल, एक बार जो कदम बढ़ा दिया तो बैक नहीं कर सकते हैं। ये लीजिए, ये पहन लीजिए। तो ये क्या करता बेटी तुम? अरे ये इतना इतना छोटा नौरंगी से हम इतना परेशान।
तो इतना बड़ा बजरंगी से हमारा तो दिवाला निकलने का। देखो तुमको जितना डोसा होना धोती भी ले लो, मगर यहाँ से जाना, साथ में नौरंगी को भी ले जाना, दोनों का टिकट हम दियाना। पापा आप ये क्या कह रहे हैं, इसमें इसकी क्या गलती है? तुमको नहीं मालूम ये लोगों का स्टाइल? पहला फादर इन लॉ आना, फिर मदर इन लॉ आना, फिर ब्रदर इन लॉ आना, सब लॉ इधर आना और हम बर्बाद होना। अप्पा शांत हो जाइए, आप इसको नहीं निकाल सकते। देखो बेटी, ये नौरंगी का फादर इन लॉ इधर होना, हमें ये होटल बेच देना। अप्पा बेच देना। अप्पा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। होटल बेच देगा? होटल बुरा नहीं है, शेट्टी अगर होटल बेचता है तो खरीद लेना चाहिए। टाटा पाशा का जुगाड़ करना पड़ेगा, एक तो पिक्चर का म्यूजिक साइन करेगा ना, तो खरीदने को सकता। आइडिया बुरा नहीं है, अपन ब्रेगंगा को बुला सकता है गोवा से, गोवा का मच्छे तो बहुत चलेगा। अप्पा प्लीज मेरी बात सुनिए ना। हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं बोलना, ये होटल है हम नारंगी, ये मक्की बेच होटल बेच डालना है। नारंगी अब पापा किसी से नहीं सुनेंगे, सब कुछ बेच देंगे, हम सब फुटपाथ पर आ जाएंगे। इस होटल को बिकने से बचा लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नहीं राता नहीं, अरे तुम्हारे नाजुक हाथ पाँव छूने के लिए नहीं, नौरंगी के गले में बरमाला डालने के लिए है। तुम चिंता मत करो राधा, सरकार एक मक्खी देखकर पागल हो गया है और होटल का बेचना चाहता है। मैं खुद बिक जाऊंगा मगर ये होटल नहीं बिकने दूंगा। अरे होटल नहीं, मारे सारे प्यार को ताजमहल है। मैं आ रहा हूँ सरकार, मैं आ रहा हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। साहिबान कदरदान मेहरबान पानदान चीकदान सुल्तान, ये तो हो गया आप लोगों का परिचय, और आप लोग आए हैं इस होटल को खरीदने। अब देखिए बात दरअसल ये है कि हमारे जो मालिक है ना, उनका थोड़ा स्क्रू ढीला है। आपसे पहले भी यहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे ताजे ताजे आपसे भयानक सेठ लोग आए, मगर मालिक ने जूते मार मार के इस शहर से बाहर निकाल दिया। बल्कि इस मुल्क में तो वन पीस है वो। और भाई इस होटल को खरीदना है तो मालिक की थोड़ा बहुत बातों को तो सहना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब कुछ खास नहीं, अब मालिक जो करें वही आप लोग करिए। मालिक खड़े हो जाए आप लोग भी खड़े हो जाइए, अब मालिक कुर्सी खींचे तो आप लोग भी कुर्सी खींचिए, अब मालिक खा पाए तो आप लोग भी खा पाए। मालिक आ गए, मालिक आ गए। हेलो हेलो, यको कहां से रे? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हम ठीक है जी, हम ठीक है। क्या नौरंगी चुप रे, क्या हो रहा है? मालिक आप शुरू कीजिए। भैया खाना खाइए, खाना खाइए। होटल का होटल का भैया बोलने देना रे, होटल के बाद बाद में करेंगे। आप खाना खाइए मालिक, मैं लोगों का इलाज करता हूँ। ये मक्की, ये नौरंगी तेरे को मालूम रहे, ये मक्की ने हमारा पूरा जिंदगी बर्बाद किया रहे। अरे ये मालिक, इस मक्खी को आपकी लाइफ से दूर किया जाता हूँ। देखा था साली का कैसी मुड़ के आ रही है, अरे देख तू जहाँ जहाँ जाएगी ना, मैं वहीं वहीं आऊंगा। देख रोक देख तसली के अली सलील, ए जबरदस्त। आपको नहीं कह रहा हूँ अंकल, इस मक्खी को कह रहा हूँ।
जो इंपोर्टर गाड़ी का बोनट समझ के आपके सर पे जा टिकी। अरे उस मान सर जिस पे आज तक एक बाल नहीं टिक सका उस पे जाके टिक गई। हिल्ला रे अंकल, इस मक्खी ने आपके सर का अपमान किया है, मैं इस मक्खी के सर को कुचल के रख दूंगा। कहाँ चली गई है ना? अरे जानती है बदतमीज कि ये लाहिरी दादा म्यूजिक डायरेक्टर की तानपुरी नाक है ना। कल ये तबला होगा, परसों हारमोनियम, सोच तेरा तो क्या हाल होगा। हिलना नहीं दादा, मैं इसका तो तबला बजा के रहूंगा। कल साहब की मूंछ से खिलवाड़ देखा था साली को। अरे जिस मूंछ को इंद्रलोक की अप्सरा तक ना छू सकी उस मूंछ को ये मैसूर का जंगल समझ कर पिकनिक मनाने बच गई। नहीं कन्नो साहब, या तो ये मूंछ रहेगी या फिर मक्खी। ये ले 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 गई। अरे बार बार खून तो डांस ही करे पड़े। आज वहां कहां जा रही है तू? हाँ अभी तो ए ए ए अरे आए आज तू नहीं या तो मैं आए। अक्कड़ बक्कड़ बंदे बोल 80-90 पूरे सौ यो मक्खी। नॉनसेंस, मक्खी कांड है ये क्या? हमारे मालिक होटल जी, मैंने आपा को मना लिया है। तो क्या होटल बेचना कैंसल? हाँ कैंसल। दोबारा सोच लो शेट्टी। क्या कमारे बोल दिया ना, कैंसल मतलब कैंसल। लोखंड वाला बोला था ना शेट्टी, वापस आएगा 7 साल का ताला। मक्खी होटल में, मक्खी 10 साल का ताला। ठहरिए मालिक, मैं आपकी लाइफ से मक्खी दूर किए देता हूं।